मौत की मजाल क्या जो उसके इश्क को ख़त्म करे, मौत की मजाल क्या जो उसके इश्क को ख़त्म करे, जिसका कफन तिरंगा हो उससे ले जाने वाली मौत भी खुद को खुश नसीब समझे, वो मौत भी खुद को खुश नसीब समझे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाल ही में अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे हो चुका है, तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है उसके बारे में मे भी उनको पता हो या ना हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। इंडियन नेशनल फ्लैग हम हर 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, अपने देश की शान होती है वो, ये सभी को पता है। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे नेशनल फ्लैग के साइज के बारे में। तो ये सारे जो साइजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड साइजेस फॉर द इंडियन नेशनल फ्लैग। और इससे सबसे नीचे वाला जो है 150 बाय 100 mm, ये सबसे छोटा वाला जो कार्स पे लगाया जाता है या फिर टेबल टॉप पे रखा जाता है, वो नेशनल फ्लैग का साइज ही हो। सन 2002 में सारे लॉज और सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ लाया गया, एकजुट किया गया, और उनसे 2002 साल में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया, जिसके तहत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इसमें इन्वॉल्व किए गए। हमारा नेशनल फ्लैग हमारी शान है, हमारी राष्ट्रीय संपदा है, जिसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कुछ चीज़ें नेशनल फ्लैग के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर नेशनल फ्लैग फटा होगा तो, या फिर उसमें कोई दाग धब्बे लगे हो, तो ऐसे नेशनल फ्लैग को कभी भी नहीं फहराना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसको फहराना यानी कि इसको दिखाना, डिस्प्ले करना, यानी कि उसका अपमान करने जैसा ही। कुछ लोगों ने बोला था कि इंडियन नेशनल फ्लैग को बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में उसको उल्टा फहराया जाता है। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में इंडियन नेशनल फ्लैग को उल्टा नहीं लहराना चाहिए। हाँ, अगर कोई दुख की घड़ी आती है, जैसे कोई XPM या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट VIP व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो उस केस में इंडियन नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट रखा जाता है। हाफ मास्ट मतलब आधी ऊंचाई तक फहराया जाता है। लेकिन ये चीज़ तभी की जाती है जब गवर्नमेंट वैसा आदेश जारी करे, उसके बिना ये चीज़ भी कभी नहीं की जानी चाहिए। नेशनल फ्लैग है वो कभी भी ज़मीन पे या फिर पानी में भूल के भी नहीं गिरना चाहिए। नेशनल फ्लैग फहराते समय जिस खंबे के ऊपर नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, जिस ध्वज स्तंभ पे नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, उस ध्वज स्तंभ पे किसी और फ्लैग को नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल फ्लैग ही उसी पे चढ़ेगा। नेशनल फ्लैग सबसे ऊंची जगह पे होना चाहिए। नेशनल फ्लैग शुड बी। इसका मेन मुद्दा ये था कि अगर हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो मैला हो जाता है या फिर जिसको साफ नहीं किया जा सकता या फिर कहीं से गलती से फट गया है, वेदर कंडीशंस की वजह से हो सकता है, तो ऐसे नेशनल फ्लैग को कभी भी फहराया नहीं जाता। तो फिर ऐसे नेशनल फ्लैग के साथ क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। नेशनल फ्लैग को आप प्राइवेट प्लेस में, यानी कि आपके घर में या फिर कहीं क्लोज जगह पे, उसको आप जला सकते हो या फिर ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हो या फिर किसी भी उचित
ये जलाना और बाकी चीज़ें ये प्राइवेट प्लेस में होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पब्लिक। पब्लिकली ये सब चीज़ें करना मतलब उस राष्ट्रध्वज का अपमान करने जैसा है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, अगर नेशनल फ्लैग फट जाता है या फिर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत से लोगों को ये चीज़ इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं रहता, उनको ये चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता कि नेशनल फ्लैग अगर फट जाए या फिर जल जाए या फिर कुछ थोड़ा बहुत उसको हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्राइवेट प्लेस में उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। फ्लैग को कभी भी कफन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए किसी भी प्राइवेट फ्यूनरल पे। अगर कोई उचित व्यक्ति जैसे कि कोई आर्मी का सोल्जर या फिर कोई हायर पोस्ट अधिकारी या फिर ऐसे किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज कफन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये राष्ट्रध्वज उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद उनको बोला जाता है कि हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को उसको अपने घर के ऊपर फहराया जाए पूरे सम्मान के साथ। तो दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि राष्ट्रध्वज को सनराइज के बाद फहराते थे और सनसेट से पहले उसको उतारना ज़रूरी होता था, लेकिन अभी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप राष्ट्रध्वज को पूरी रात फहरा सकते हो। बस कुछ उसकी शर्तें हैं। शर्तें ये है कि राष्ट्रध्वज बहुत ऊंचाई पे हो और वो थ्रू आउट मतलब जब तक आप उसको फहरा रहे हो तब तक उसके ऊपर लाइट उस पर बनी रहे, इट शुड बी इल्यूमिनेट। बहुत से लोग नेशनल फ्लैग फहराते हैं उसकी उस दिन पे हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन होता है, लेकिन कुछ लोग इस बात का ख्याल रखना भूल जाते हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है या फिर बाकी जो चीज़ें हैं हमारे एम्बलम है, ये हमारी राष्ट्रीय संपदा ही नहीं हमारे राष्ट्र का गौरव है। तो इनको किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुँचे ये हमें ख्याल रखना होता है, इनका किसी भी प्रकार से अपमान ना हो इसका हमें ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये सजेशन दे सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना था इसको। तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, और हम और भी वीडियोज़ के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।